2010 की रात को 19 साल के सैम बॉलर्ड अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी उन्हें एक स्नेल जमीन पर रेंगता हुआ दिखाई देता है और दोस्तों ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उसको खाकर दिखाए। और सैम ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और शराब के नशे में उस स्नेल को चखना समझकर खा गए। कुछ दिन बाद उनके पैर में बहुत दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर के पास जाकर पता लगा जो उन्होंने स्नेल खाया था वो इन्फेक्टेड था। क्या बात कर रहे, जिससे एक रेड लंगवर्म कीड़ा उनके दिमाग में घुस चुका था और सैम को मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी हो गई थी। भारी मिस्टेक हो गया सर। और 420 दिन के लिए वो कोमा में चले गए। फिर जब उनको होश आया तो पूरा शरीर उनका पैरालाइज हो चुका था, जिसके कारण वो कभी ठीक नहीं हो पाए और 2018 में उनकी डेथ हो गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब इससे ये साबित होता है जो दोस्ती यारी में अपनी ऐसी तैसी कराते हैं ना वो सबसे बड़ी चूतिया। तो ऐसी चीजें मत करो जिससे आपको हार्म पहुंचे और दूसरों को हार्म पहुंचे, तो प्लीज मत करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।